नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा, नकदी की बहुतायत भ्रष्टाचार का बड़ा स्रोत। अर्थव्यवस्था में नकदी की बहुतायत को भ्रष्टाचार और काले धन का बड़ा स्रोत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोगों से नकदी रहित लेनदेन की ओर बदलाव की राह पकड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आप सबसे, खासकर अपने युवा मित्रों से नकदी रहित लेनदेन की ओर बदलाव करने और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करने का अनुरोध करता हूं। एक ऐसे भारत की मजबूत नींव तैयार होगी जहां भ्रष्टाचार और काले धन के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से ज्यादातर लोग कार्ड और ई वॉलेट का नियमित उपयोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके साथ उन तरीकों को साझा करना चाहिए जिनसे नकदी रहित लेन देन में यथासंभव वृद्धि हुई है। दूसरी ओर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में कुछ समय के लिए उथल पुथल को स्वीकार करते हुए कहा कि इसका अर्थव्यवस्था पर एक तिमाही के करीब असर देखा जा सकता है, लेकिन आने वाले लंबे समय में इसके कई फायदे होंगे। उधर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नोटबंदी का तो समर्थन किया, लेकिन वित्त मंत्रालय पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि पर्याप्त तैयारियां की जाती तो इतनी अव्यवस्थाएं नहीं होती। हालांकि नोटबंदी से उपजी अव्यवस्थाएं अभी भी बरकरार है। लोगों को नोटों के लिए कतारों में घंटे खड़े रहना पड़ रहा है। शादी ब्याह वाले परिवारों को कुछ ज्यादा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी का असर अंतिम संस्कार पर भी देखने को मिल रहा है। बुधवार शाम को ही बेंगलुरु में छापे के दौरान करीब 5 करोड़ के नए नोट बरामद हुए थे। इसमें न सिर्फ व्यवस्था बल्कि बैंकों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। नोटबंदी का सबसे दुखद पहलू भी यही है कि एक तरफ लोगों को नोट नहीं मिल रहे हैं, वहीं छापों के दौरान करोड़ों नए नोट बरामद हो रहे हैं। इससे यह बड़ा सवाल तो उठ ही रहा है कि क्या नोटबंदी से वाकई काले धन पर चोट होगी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। अदालत में राष्ट्रगान अनिवार्य करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी पर अर्थव्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ी है। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने बताया, नोटबंदी के मुद्दे पर संसद के बाहर बयान देने के मामले में मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस अभी विचाराधीन। नरेंद्र मोदी से माफी की मांग पर हंगामा नहीं चली राज्यसभा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक जवान घायल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।